Hey guys, welcome back to my channel. How you guys are doing? I just hope you guys are really doing good in your lives. So guys, in today's video, I am gonna do a comparison video for you guys. But before that, before we got moved into the video, main aapse ek request karna chahungi. If you are coming for the very first time on my channel, so hey there, I am Andre, and I make videos on beauty, lifestyle and DIYs and many random stuff. So if you wanna see them, so don't forget to subscribe to my channel, and yeah, also click on that bell icon so as to get notified whenever I upload a video. Yes, so now without any further ado, let's just get started. So guys, today मैं जो आज का review करने वाली हूँ, comparison करने वाली हूँ, ये आप में से ही किसी ने मेरे उस वीडियो पे, ओलिविया वाले वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि इस पे एक कंपैरिजन वीडियो बनाओ. सो गाइस, टुडे आई एम डूइंग अ कंपैरिजन बिटवीन दिस, आई डोंट नो इज दिस इज अ न्यूली लॉन्च्ड और ये बहुत टाइम से मार्केट में था या नहीं, बट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट. सो दिस इज द ओलिविया लिक्विड फाउंडेशन इन सैटिन फिनिश. Yeah, so with this guy, I am gonna compare this Lakme Invisible Finish Foundation. So yeah, these are both of the bottles which I am gonna review for and do a comparison for you guys, so that you guys know which one is better and which one to go for. मैंने आपको बताया ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों काफ़ी फेवरेट बन चुके हैं लोगों के बीच में, एंड ये वाला जो लैक्मे इनविजिबल फिनिश है, ये तो काफ़ी टाइम से मार्केट में है एंड मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ. तो चलो बात कर लेते हैं, फटाफट वीडियो में घुस जाते हैं. तो गाइज, मैंने एक्चुअली इन दोनों का एक सेपरेट रिव्यू, मतलब वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको वो भी सेपरेटली देखना है. वैसे तो आपको सारी चीज़ इसमें पता चल जाएंगी, बट स्टिल इन केस यू वांट टू नो, जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन हियर एंड या यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वीडियो. तो गाइज, चलो मैं सबसे पहले बात करूंगी लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन की. तो ये आता है ऐसे ग्लास की पैकेजिंग में, एंड ये थोड़ा सा स्क्वायर शेप में आता है, एंड इसका एक ऐसे कैप आता है जो कि है मरून कलर में. एंड ये जो ग्लास की बॉटल है, ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, एंड ऑल्सो ये जो है, ये फ्रॉस्टेड ग्लास बॉटल है, तो ये काफ़ी स्लीक और बहुत शीक दिखता है. एंड गाइस, अगर हम खोलते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एक स्पैचुला भी मिल जाता है लाइक ऐसे. तो इससे क्या होता है कि फाउंडेशन को लगाने में एंड स्प्रेड आउट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करें ओलिविया लिक्विड फाउंडेशन की, तो ये भी एक सिमिलर से पैकेजिंग में आता है. तो ओनली थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये थोड़ा सा हैवी हो सकता है, एंड ये थोड़ा सा छोटा है, तो हो सकता है ये थोड़ा कम स्पेस एब्जॉर्ब करें. अदरवाइज दोनों काफ़ी हद तक सेम साइज के हैं. बट हाँ, तो ये भी ऐसे फ्रॉस्टेड बॉटल में आता है, एंड ये भी काफ़ी शीक लगती है. द ओनली थिंग ये है कि अगर आप इसको खोलते हो तो इसमें कोई भी स्पैचुला और या कुछ भी नहीं मिलता आपको, आपको सिर्फ ऐसे ही डिस्पेंस करना होता है. तो बात करें अगर प्राइस पॉइंट की, तो लैक्मे इनविजिबल फिनिश जो फाउंडेशन है वो आता है 25 ml का, एंड एंड यू गेट इट फॉर ₹250. सो दैट मीन्स आपको 25 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है ₹250 में. वेयर एज इफ यू सी ओलिविया वाला फाउंडेशन, तो ये आ जाता है ओनली ₹100 का गाइस, एंड इसका जो नेट वेट है ये है 28 ml. सो गाइज, दिस इज लाइक 25 ml एंड ये 28 ml. तो इसमें ये जीत जाता है क्योंकि इसकी प्राइस पॉइंट भी कम है एंड इसमें क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिल जाती है. तो पैकेजिंग वाइज मुझे इसकी पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये काफ़ी स्लीक सा मुझे लगता है, बहुत अच्छा सा लगता है, मतलब आपको ये अच्छा लगेगा देखने में, और स्पैचुला भी है. तो पैकेजिंग वाइज दिस गाय विंस, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइस पॉइंट एंड द क्वांटिटी, सो ओलिविया, डेफिनेटली ओलिविया स्टील. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है. तो ये जो इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर 2 ईयर्स. तो जैसे कि ये बना है 2017 में और ये ख़राब हो जाएगा 2019 में. सो आपको सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ मिल जाती है. और जो ये वाला फाउंडेशन है, इसकी भी शेल्फ लाइफ जो है सरप्राइजिंगली कि सेम है, और देखो इसका भी ना सेम ही है मैन्युफैक्चरिंग डेट, अगर आपको दिख रहा होगा, अगर ये फोकस कर रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा. तो या तो 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है, तो दोनों में इसमें इक्विवेलेंट है. अब बात करते हैं शेड रेंज की. तो
तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि दोनों में ही चार या पांच शेड्स अवेलेबल हैं, जिनकी तो मुझे दोनों की शेड रेंज बहुत अच्छी नहीं लगती, दोनों में ही शेड रेंज की कमी है। इसमें आई थिंक चार शेड्स आता है और ये वाला जो शेड है इसमें मेरा शेड है 04, जो कि आई बिलीव इज द डार्केस्ट। सो यू कैन इमेजिन इफ दिस इज द डार्केस्ट जो मेरे स्किन टोन को मैच करता है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको, अगर आप मेरे से डार्कर स्किन टोन के हो तो आपको इसमें शेड नहीं मिलेगा। सेम गोज विद दी ओलिविया फाउंडेशन, इसमें भी चार शेड्स आते हैं और इसमें मेरा शेड है 02 नेचुरल ग्लो। तो इसमें भी आपको चार या पांच शेड्स आते हैं और बहुत डिफिकल्टी होती है डार्कर स्किन टोन के लिए इसके अंदर एक शेड चूज करने की। तो अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तब तो आपको मिल जाएगा, बट इफ यू आर डार्कर टू माई स्किन टोन इट्स रियली डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अ परफेक्ट शेड फॉर यू। बट या वन थिंग ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल कि लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन जो है ये आता है SPF 8 के साथ, तो दिस हैज SPF 8 इन इट एंड आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज देयर, या हो सकता है कि इसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, तो हो सकता है कि ये एज अ सनस्क्रीन काम करता हो, बट सनस्क्रीन का इसके अंदर अलग से कहीं भी मेंशन नहीं है, वेयर एज इसमें मेंशन है। तो इसमें भी जो है ये इसमें विन कर जाता है बिकॉज इट हैज सनस्क्रीन इन इट दैट इज SPF 8। आई नो 8 इज बहुत बड़ा नहीं है बट स्टिल आप इसमें यू कैन यू नो कभी कभार अगर स्किप हो जाए सनस्क्रीन, अगर आप ज्यादा धूप में नहीं निकलते हो तो दैट वुड बी फाइन फॉर यू गाइस। So that means it wins in the sunscreen wale point pe. And chalo ab aa jate hain iske actual jo isko laga ke dekhte hain ki kaun sa isme se a better work karta hai. Prime my face, I have applied color bar perfect match primer. To main half of the face pe lagaungi Olivia foundation and half of the face pe main lagaungi Lakme foundation. Ek baat main usse pehle aapko batana chahti hu ki mujhe ये वाला शेड थोड़ा सा लाइटर लगता है अपने स्किन टोन के लिए, वेयर एज आई थिंक दिस शेड इज परफेक्ट फॉर माई स्किन टोन एंड प्लस इट डज नॉट ऑक्सीडाइज। सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो इसमें मैं इसको पोर कर रही हूँ, ये है ओलिविया का फाउंडेशन जो कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है, मतलब रनी भी नहीं है और ना ही बहुत हैवी है कि आप इसको स्प्रेड नहीं कर पाएंगे अपने स्किन टोन पे। एंड अगर मैं इसको बैक ऑफ माई हैंड ही लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि लैक्मे इनविजिबल फाउंडेशन जो है ये थोड़ा सा मुझे ना रनी लगता है एज कम्पेयर टू दिस वन। हालांकि दोनों का टेक्सचर जो है वो काफ़ी सिमिलर है बट स्टिल आई थिंक कि ये जो है ना ये अच्छे से ना दिस कैन बी ईजली ड्रॉप ऑफ, और हालांकि ये जो है ये अपनी जगह पर बैठा है। नाउ लेट जस्ट मूव टूवर्ड्स दी एप्लीकेशन पार्ट। तो मैं इसको इस पे इधर लगा लेती हूँ एंड आई विल यूज अ ब्लेंडर फॉर दैट। सो जैसे आप देखोगे कि आई डोंट लाइक द शेड रेंज इन दिस ओलिविया वाले में, शेड मुझे मिलना थोड़ा सा मुश्किल था एंड प्लस ये मेरे यू नो स्किन टोन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लाइट भी है। नाउ गोना जस्ट डैब ऑफ जल्दी से। सो लाइक ये काफी इजीली स्प्रेड हो जाता है, बिल्कुल भी पैचिंग लगता आपकी स्किन पे। एंड चलो अब मैं इसको इधर लगा लेती हूँ, जैसे आप देखोगे कि एंड गाइस वन मोर थिंग आई वांट टू टेल कि जो ओलिविया वाले की स्मेल है ना ये थोड़ी ओवरपावरिंग है एंड जबकि फाउंडेशन जो ये लैक्मे वाला है इसकी स्मेल काफी सूदिंग है। पर्सनली आई लाइक दी स्मेल ऑफ लैक्मे ज्यादा इफ यू आस्क मी। एंड देखो जैसे ये भी अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है एंड ये वाला थोड़ा ज्यादा लाइटर है, देख रहे हो ना। अभी रुक जाओ मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देती हूँ। सो गाइस दिस इज व्हाट द फाउंडेशन लुक्स लाइक ऑन माय फेस। तो डेफिनेटली ओलिविया की कवरेज जो है दैट्स बेटर देन लैक्मे वन बिकॉज यहाँ पे जो थोड़े थोड़े बम्स है मेरी स्किन पे ये नहीं हुआ यू नो हाइड नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे ना अच्छे से क्या होता है कि हाइड हो जाता है सब कुछ। बट अगर आप एक चीज नोटिस करोगे इधर मेरे लिप्स पे ये इधर की तरफ ना थोड़ा सा ये पैची बन गया है इधर,
And but here the Lakme one, you know, it has glided on my skin perfectly. But ये वाला जो है ये बहुत अच्छे से glide on हो जाता है मेरे skin पे. और अगर आप personally मुझसे पूछेंगे कि कौन सा foundation ज़्यादा better है, तो मैं आपको ये बताऊँगी. So definitely has a better coverage, but it feels heavy on the skin. थोड़ा सा मुझे heavy लगता है. And if we talk about this, तो मैं जब इसको touch करती हूँ, तो this feels like more like skin like. तो ये थोड़ा सा बीवी क्रीम जैसा मुझे लगता है, बट इसका जो कवरेज है मुझे सही लगता है. आई डोंट लाइक फुल कवरेज फाउंडेशन, और जो थोड़ा सा हेवी लगता है मेरे स्किन पे, तो ये वाइज ये थोड़ा सा हेवी है. एंड मैं एक चीज़ बता देती हूँ दैट इफ यू आर फ्रॉम ड्राई स्किन पर्सन, इट डजंट मैटर, दिस विल ऑल्सो ग्लाइड ऑन वेरी इजिली. बट द ओनली थिंग इज आई फेल्ट अ बिट ऑफ पैचेस हियर आफ्टर अप्लाइंग दिस वन. And if I tell about this, this is so light that this even won't budge on your skin and this won't even bother you at all. Like, आप इसको लगा के भूल सकते हो that if you have applied foundation or not. तो ये जो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, एक बार मैंने Lakme Invisible Finish वाला foundation जो लगाया था, and then longevity इसकी थोड़ी सी कम है क्योंकि ये 2-3 घंटों में उड़ जाता है, but ये थोड़ा ज़्यादा रहता है आपके फेस पे, वही 4 आवर्स तक ये भी रह जाएगा अच्छे से. बट एक चीज़ है कि ये वाला जो फाउंडेशन है ये बहुत ग्लो देता है मेरी स्किन को. एक्चुअली ग्लो तो इसने भी दिया है, बट इफ़ यू आस्क मी कि पर्सनली मैं आपको कौन सा रेकमेंड करूँगी, तो डेफिनेटली गाइस आई विल रेकमेंड दिस Lakme Invisible फाउंडेशन टू यू गाइस. लाइक अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा बजट है, सो प्लीज़ आप इसको खरीद लो. See, I liked this one also, but this is about personal preference. So if you ask my personal preference or main kisko preference dungi, to main definitely Lakme Invisible Finish ko zyada preference dena chahti hu. But still, if you have a lesser budget, so you can definitely go for this as well. Iske itne bilkul bahut zyada cons nahi hai, but mujhe thoda sa ye heavy lagta hai mere skin pe as compared to this one. So that's the thing, that's why I like this one more over this. And also I have been using this from quite some time now, so that's why I literally love this. But yeah, this is also good, but again I said, personally speaking, this one is the winner for me, obviously. So guys, yeah, with this my comparison video. So it was like aapka idea tha iske comparison karne ka, so that's why I did it. So I hope aapko acha laga ho ye comparison, acha laga ho, so don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel, and yeah, comment down below which one is your favorite. So isse bahut dusre logo ko bhi kafi help pahunchegi. So yeah, then I'll see you guys in the next video. So till then, bye and take care, love you.